मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं और आप मुझे एक मिनट दे रहे हैं जिस शहर में मैंने मुसलमान को मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम, मैं उस खसखस लत का आदमी हूं। आगरा जो दुनिया के अंदर मोहब्बत का शहर कहलाता है, सिटी ऑफ लव, इसके बारे में हिंदुस्तान को पहचानने की अगर कोई खिड़की है तो ताजमहल है, आगरा है। ये वो सूरदास का शहर है, ये वो शहर है नजीर अकबर आबादी का, ये शहर है मोहब्बत का, जहां पर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत को देखने के लिए दुनिया के लोग उस शहर के सामने तस्वीरें खिंचवाने आते हैं, उस पटरी पर बैठते हैं। ये बात आगरा की नहीं है, ये बात उस मोहब्बत के शहर की है जिसको नफरत की प्रयोगशाला की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने वो ऊंचाइयां पे चढ़ाई पे चढ़ते हुए उस घर में रहा हूँ, कोयला वाली बस्ती में, जहां पर लोगों को मैंने उस सिर्फ शरणार्थी रहते थे, वो चलने वाले सरदार को कहते थे सत श्री अकाल, मौलाना भी कहता था और वो हिंदू भी कहता था। ये दुकान नहीं है, ये इंसानियत की उस चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो आरएसएस, वो बीजेपी के लोग वहां पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं और यहां पर बैठकर वो लोग आज कहते हैं कि हम इस देश के अंदर हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। कि हिंदू की दुकान थी या मुसलमान की दुकान थी, बात ये नहीं है। उस दुकान पर काम करने वाला कौन था? अभी बंद करो। कैसे बंद कर दूं? अब तो खुलने का समय आया, आप कहते हैं बंद कर दूं। शोक सभा की बात करते हैं, उसमें संवेदना नजर नहीं आती, बात नजर आती है बंदूकों की, बात नजर आती है गोलियों की, बात नजर आती है, बात कही जाती है लाठियों की, बात कही जाती है रेखाएं की। संसद में सर कलम करके किसी कदमों पर रखते हैं जो ऐसे लोग हैं जो सर कलम करने की बात करते हैं और कि इनके मंत्री जो हैं, उनके विधायक जो हैं, उनके सांसद जो हैं, वो खड़े होकर मंचों पर शोक सभा के नाम पर शोक सभा की बात करते हैं। आभार प्रकट करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो जान की अमान चाहता हूँ, जिस तरह के हालात आज बन गए कि संसद में सर कलम करके किसी कदमों पर रखते हैं जो ऐसे लोग हैं जो सर कलम करने की बात करते हैं और कि इनके मंत्री जो हैं, उनके विधायक जो हैं, उनके सांसद जो हैं, वो खड़े होकर मंचों पर शोक सभा के नाम पर शोक सभा की बात करते हैं, उसमें संवेदना नजर नहीं आती, बात नजर आती है बंदूकों की, बात नजर आती है गोलियों की, बात नजर आती है, बात कही जाती है लाठियों की, बात कही जाती है रेखाएं खींचने की। मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं और आप मुझे एक मिनट दे रहे हैं जिस शहर में मैंने मुसलमान को मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम, मैं उस खसखस लत का आदमी हूँ। मैंने वो ऊंचाइयां पे चढ़ाई पे चढ़ते हुए उस घर में रहा हूँ, कोयला वाली बस्ती में, जहां पर लोगों को मैंने उस सिर्फ शरणार्थी रहते थे, वो चलने वाले सरदार को कहते थे सत श्री अकाल, मौलाना भी कहता था और वो हिंदू भी कहता था। लेकिन आज हमारे साथी ने उस तरफ से बोला सिखों की बात करते हैं, मैं सिखों की बात या मुसलमानों की या हिंदुओं की बात करने के लिए आया, मैं एक उस बेटे की बात करने के लिए आया हूँ, मैं उस माँ के उस बेटे के लिए बात करने के लिए आया हूँ, मैं उस पति की बात कहने के लिए आया हूँ, मैं उस बाप की बात कहने के लिए आया हूँ जिसका 25 तारीख को कत्ल हुआ, जिसकी हत्या हुई, हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए, मैं वो कहने के लिए आया हूँ। लेकिन उस हत्यारे के बिना पर आगरा जो दुनिया के अंदर मोहब्बत का शहर कहलाता है, सिटी ऑफ लव, जिसके बारे में हिंदुस्तान को पहचानने की अगर कोई खिड़की है तो ताजमहल है, आगरा है। ये वो सूरदास का शहर है, ये वो शहर है नजीर अकबर आबादी का, ये शहर है मोहब्बत का, जहां पर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत को देखने के लिए दुनिया के लोग उस शहर के सामने तस्वीरें खिंचवाने आते हैं, उस पटरी पर बैठते हैं। मुझे मालूम है गृह मंत्री महोदय यहां पर बैठे थे, मैं इसलिए भी उनका आदर करूंगा कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मोहब्बत की बात को वहां पर चाहे कुछ भी रहा हो पार्टी का, लेकिन उन्होंने मोहब्बत के साथ में हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीतने का कोशिश किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो अगर वहां पर किसी एक व्यक्ति की अगर वहां पर हत्या हुई थी, मैं वहां पर हत्या वाली जगह पर खड़े होकर मैंने इनको फोन किया था, मुख्यमंत्री ने मेरा फोन उठाया था और उस हत्यारे को सजा देने के लिए उन्होंने वादा किया था, जबकि इन्हीं की पार्टी का एक सभासद था। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, आज मैं फिर आपसे गुहार करने के लिए आया हूं। आज आप इस देश के गृह मंत्री हैं, मैं आपके माननीय महोदय कहे तो मैं बैठ जाऊं। ये बात आगरा की नहीं है, ये बात उस मोहब्बत के शहर की है
जिसको नफरत की प्रयोगशाला की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उस शहर की बात कर रहा हूं, आगरा शहर। मैं बोलता बहुत कम हूं चेयरमैन साहब, मैं कभी कभी बोलने की कोशिश करता हूं, मैं रोज रोज नहीं बोलता हूं, लेकिन जब बोलता हूं तो यहां से बोलता हूं और मुझे बोलने दिया जाता। मैं आज उस शहर की बात कर रहा हूं जिस शहर के अंदर मामूली लोग सिर्फ इसलिए वहां पर चलते हैं कि मुझे उसके साथ में रोजगार करना है। वो जिनके हिंदू की दुकान थी या मुसलमान की दुकान थी, बात ये नहीं है। उस दुकान पर काम करने वाला कौन था? अभी बंद कर, कैसे बंद कर दूं? अब तो खुलने का समय आया, आप कहते हैं बंद कर दूं। ये दुकान नहीं है, ये इंसानियत, ये इंसानियत की उस चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो आरएसएस, वो बीजेपी के लोग वहां पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं और यहां पर बैठकर वो लोग आज कहते हैं कि हम इस देश के अंदर हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीति विकास की नहीं हो रही, ये राजनीति नफरत की हो रही है। और नफरत को पालने वाले वो लोग, जिन लोगों को दो बार से अगर सांसद बने हैं और मंत्री बने हैं, बिल्कुल सही कहा हमारे साथी ने, वो डिग्री क्या है मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ पढ़े हैं ये भी नहीं मालूम, लेकिन जो जबान वो बोल रहे हैं वो एक अनपढ़ से भी कई गुना जबान है। वो इंसान की जबान नहीं बल्कि ऐसे ऐसे शख्स की जबान है। राक्षस कहना छात्रों को अगर ये कहना कि ये कुत्ते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा व्यक्ति Dinsa, please. Sit down. Dinsa, please. No. You did not give a name. And I gave you 1 minute and you are exploiting. Boliye. This Raj Babar is not good. You did not. This is taking the house for a ride. You did not give a name. I allowed one. No. No, you sit down. You sit down there. Sit down there. Very bad. I think it's very bad. I can't do this. There should be some rule. There should be some norms. He did not give name. And then, because he requested, I allowed one question. And he is lecturing. Why do you encourage this indiscipline? Why do you encourage this indiscipline? So now, you may be anything, but you should know the basic rules of the house. That basic, there are certain basic, no, let me complete. Basic rules that before speaking, you should give the name, give here. That is all I am asking. And when I exhausted, it's only 1 hour, I will give. It's only 1 hour, 1 hour, 1.5 hour. Because he requested, I gave him one question, 1 minute. And then exploiting. Yes, 1 minute only. You also not given. 1 minute, mein katham karna. Bolo.